नमस्ते मित्रों, मैं सुहांशु चौहान आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है स्वाइन फ्लू और होम्योपैथी से बचाओ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्वाइन फ्लू के सारे लक्षण फ्लू के जैसे होते हैं। इसमें बुखार, खांसी, छींके और बदन दर्द प्रमुख लक्षण हैं। इसकी जांच प्रयोगशाला में की जा सकती है। इस रोग के होने पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। आराम करने से भी कई बार लाभ हो जाता है। इस रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित 5 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल से अधिक उम्र के लोग के लिए यह रोग खतरनाक साबित हो सकता है। सुअरों से फैले इस रोग का नाम स्वाइन फ्लू है और इसको H1N1 नाम दिया गया है। WHO में इस वायरस का नाम दिया गया है। इससे बचाव के लिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, किसी भी बुखार से पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, खांसी वाले से दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथ धोते रहें। ये सभी होने के अलावा अगर हम होम्योपैथी दृष्टिकोण से देखें तो इससे बचाव के लिए एक बहुत अच्छी दवा जेल्सियम 200, जी हाँ, जेल्सियम 200 अगर हम 3 दिन तक सुबह शाम ले लेंगे तो हमें काफ़ी बचाव की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसलिए मित्रों, आप जेल्सियम 200 क्रय करें, अपने पूरे परिवार को सुबह शाम 3 दिन ये दवा दे दें। ये दवा सामान्य फ्लू से भी रक्षा करेगी, स्वाइन फ्लू से भी रक्षा करेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आने पर और लोगों की जानकारी पर पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक आप मेरे वीडियो देख सकें। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।